नमस्कार दोस्तों, सुबह उठने के बाद रसोई घर की ये चीजें भूल से भी ना देखें, नहीं तो राहु केतु के प्रभाव से अनिष्ट हो जाता है और घर परिवार पर आती है गरीबी। दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा जरूर लिखें। दोस्तों, रसोई घर का मुख्य अंग कहा जाता है। अगर घर शरीर है तो रसोई को उसकी आत्मा माना गया है। रसोई घर में अगर वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए वास्तु शास्त्र में रसोई घर को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। रसोई घर में सुबह प्रवेश करते ही कुछ चीजें नहीं देखनी चाहिए, साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जो सुबह उठने के तुरंत बाद रसोई घर में नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और घर में धन की कमी सताने लगती है, साथ ही परिवार के लोगों में क्लेश बढ़ने लगता है। रसोई घर की दिशा भी सही होनी चाहिए। अगर रसोई घर गलत दिशा में हो तो ये भी वास्तु दोष निर्माण करता है। साथ ही रसोई घर में जल की और अग्नि की दिशा भी सही होनी चाहिए, क्योंकि रसोई घर से ही संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। अगर रसोई घर में वास्तु दोष निर्माण होता है तो इसका असर परिवार की सेहत पर भी पड़ता है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, जिनका संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर रसोई में आप आईना रखते हैं तो यह अत्यंत ही अशुभ माना गया है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और क्लेश बढ़ता है। साथ ही रसोई घर में पूजा घर भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि रसोई में कई बार दुर्गंध भी फैलती है जो पूजा घर की सकारात्मक ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। आइए आपको बताते हैं रसोई घर में सुबह क्या नहीं देखना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। रसोई घर को हमेशा घर के अग्निकोण में होना चाहिए, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य में। यह दिशा अग्नि की दिशा मानी गई है। इस स्थान पर बनाया रसोई घर बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर इस स्थान पर बनाना संभव हो तो उत्तर पश्चिम दिशा में बनवा सकते हैं, परंतु दक्षिण पूर्व दिशा में बना रसोई घर सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह उठने के बाद रसोई घर में ना देखें ये चीजें। दोस्तों, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का चित्र अवश्य होना चाहिए और महिलाओं को सुबह स्नान किए बिना रसोई घर में कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अनुचित माना गया है। स्त्रियों को स्नान करके मानपुरिया को नमस्कार करके ही रसोई घर में कार्य करना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सुबह उठने के तुरंत बाद अगर रसोई में जाते हैं तो चाकू छुरी जैसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। सुबह सुबह इन चीजों को देखने पर व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में क्लेश भी बढ़ सकता है। इसलिए सुबह रसोई घर में चाकू छुरी ना देखें। अगर हर रोज घर में होने लगे ये चीजें तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति पर गरीबी आने वाली है। अगर सवेरे सवेरे आप रसोई घर में इन चीजों को होता देखें तो सावधान हो जाएं, जैसे कि बार बार दूध गिरना, तेल का गिरना, खाने में नमक ज्यादा गिरना, गरम तेल अथवा अग्नि से हाथ जलना। अगर ऐसा बार बार होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि घर में वास्तु दोष है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार ज्यादा बढ़ गया है। इससे बचने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। रोज आपको पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। इससे वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है और घर में राहु केतु का प्रभाव कम होता है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा ऐसे घर में वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में पूर्व की दिशा में माँ अन्नपूर्णा का चित्र होना चाहिए, लेकिन अगर जिस घर में ऐसी चीजें होती है वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा वास नहीं करती। जिस घर में खाने को खुला छोड़ दिया जाता है अथवा बर्तनों को साफ किए बगैर वैसे ही रखा जाता है, जिस कारण रसोई घर में गंदगी बढ़ जाती है, ऐसे स्थान पर मां अन्नपूर्णा का वास नहीं होता और उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। मांस पकाना, जिस घर की रसोई में मांस आदि चीजें पकाई जाती है
ऐसे घर से भी मानव पूर्णा सदा के लिए चली जाती है। इसी कारण माँ अन्नपूर्णा का घर में वास बनाए रखने के लिए घर में भूल से भी मांस ना पकाया है। तो दूसरी होती वो महत्वपूर्ण बातें जो आपको रसोई घर में काम करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। बड़े प्रसन्न रहें तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।